अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एचवीसी ट्रेंड 2024 में मौजूद है और कॉस्मिक्स स्टॉल पे मौजूद है। कॉस्मिक्स स्टॉल पे जो है वो ज़िशान अशरफ साहब से हम बात करेंगे जो कि कंपनी के सीईओ हैं। जी ज़िशान साहब, बताएं क्या रिस्पांस है एक्सपो का और इन टू डेज में क्या देखा आपने? फोर्थ एडिशन है एशवे की तरफ से एचवीसी ट्रेंड। मेरा नाम ज़िशान अशरफ, सीईओ कॉस्मिक्स इंजीनियरिंग। हर साल की तरह चौथे इस इवेंट में हमने भी पार्टिसिपेट किया। अच्छा फुटबॉल है, काफ़ी गहमा गहमी है और साथ साथ जो एक्सरे के जितने लोग हैं, जितने चैप्टर्स के लोग हैं, कराची के, लाहौर के, खासतौर पर फारूक महबूब साहब, सीआरसी रेंज की कराची की पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बहुत बहुत ही कहते हैं कि बड़ी इसमें एफर्ट्स होंगी लोगों की और बहुत सारी कोशिशें होंगी, आई थिंक सो इट्स गुड इवेंट। अच्छा ज़िशान साहब, ये बताएं कि ऑक्स के साथ आप वर्क कर रहे हैं, ऑक्स के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप जिस प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके हवाले से बताएं जहाँ पे आप खड़े हैं जिस प्रोडक्ट के साथ। ये VRF सिस्टम है, 7th जनरेशन VRF सिस्टम। इस जनरेशन ये ऑक्स VRF सिस्टम है, ऑक्स का 7th जनरेशन VRF सिस्टम है। ये जैपनीज R&D सेंटर में इसकी पूरी R&D हुई है और ये मेड इन निंगबो चाइना है और ये एक रोबोटिक फैसिलिटी के ऊपर तैयार किया गया है। ख़ास बात जो दूसरों के VRF से हमें जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे VRF उनसे हमें जो मुनफरद करती है वो ये इसके ऊपर जो कोटिंग्स हैं आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक क्रोजन प्रोटेक्शन एक मॉडल रखा है जिसके ऊपर एक मेटालिक पेंटिंग है और फिर एक नैनो टेक्नोलॉजी पेंट है जो कि H2 कोटिंग चलाती हैं और वो मेरीन एप्लीकेशंस की कोटिंग्स होती हैं, वो हमने इस पर की है। इसके हेडर्स और इसकी फिन्स सारी कोटेड होती हैं और एक और ख़ास बात जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स हैं और आइडेंटिकल इन्वर्टर सिस्टम इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि इसको, इसका जो बैकअप सिस्टम है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो कोई भी इसमें अगर एक साइड फेलियर होती है उसकी दूसरी साइड जो है वो ऑन रहती है। इसके अलावा जो सर्विस और टूल्स के हवाले से हमने यहाँ पर जो डिस्प्ले किया है वो ये कि इसके अंदर हमारे पास जो कंप्यूटर से कनेक्टिविटी होती है वो हमने यहाँ डिस्प्ले की है कि किस तरह से हम कनेक्ट करके तमाम जो इसका डेटा इनपुट है सेंसर बाय सेंसर, फैंस की RPMs, एम्पेयर्स सब हम दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी सर्विस टीम इक्विप्ड है इसके लिए। और यही नहीं, इसके अलावा जो मैक्रोन मीटर्स होते हैं या स्मार्ट मीटर्स होते हैं जिसकी तरह से आप किसी यूनिट का प्रॉपर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, वो गैजेट्स भी कुछ हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। इस तरह से कुछ गैजेट्स को हमने डिस्प्ले किए। और इसके अलावा जो इस इक्विपमेंट की ख़ास बात है वो ये है, इसको मनफरद जो करती है इसकी जो PCBs हैं वो भी कोटेड हैं और ना सिर्फ PCB कोटेड हैं बल्कि इसके जो कंडेंसर है इसकी जो क्रोजन स्टार्ट होता है वो इन फिन्स पे स्टार्ट होता है, उसको भी उसकी भी एजेस को जो है सील किया गया। सो बेसिकली जो प्रोडक्ट है ये कराची के इन्वायरमेंट के ख़ासतौर पर जो कोस्टल एरिया है और जो हमारा समंदर के सामने की जो पट्टी है और हमने 3.5 साल से ज़्यादा का हमारा इसमें एक्सपीरियंस हुआ है इन कोटिंग्स के साथ, वहाँ पे नॉट अ सिंगल स्पॉट क्रोजन स्टार्ट नहीं होता। तो ये हमारी कुछ प्रोडक्ट की डेलती। और बाकी इसके अंदर हम तकरीबन एक मॉड्यूलर तकरीबन 124 टन तक कर सकते हैं मैक्सिमम और अगेन हम 2000-3000 टन तक के प्रोजेक्ट, हमने काफ़ी सारे 2200 टन के प्रोजेक्ट तो हम 2-3 कर चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर भी, तो हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर किए हैं। ज़िशान साहब, ये भी बताएं कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है और अब कंपनी को आप मज़ीद आगे ग्रोथ देने के लिए क्या कर रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास अभी ही बताया कि जो स्पेशलाइज सर्विस टूल्स है, हमारा जो डाउन टाइम है करफोर कराची वो हमें हमारा कोई भी कंप्लेन के बाद 3 घंटे का एक टाइम हमारा सेट हुआ है, उसी के हिसाब से हमें 40-50 लोगों की टीम है कराची लाहौर इस्लामाबाद के लिए और वो हमारा बाकी सारे शहरों में कराची लाहौर इस्लामाबाद के अलावा मुल्तान फैसलाबाद में भी, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट किया वहाँ पे 8 घंटे काम कर रखा है और बाकी जो कराची लाहौर इस्लामाबाद इसमें 3 घंटे के अंदर हम कंप्लेन अरेंज करते हैं, जो भी है हमारे राइटर्स वगैरह पहुँच जाते हैं और वहाँ पर स्टाफ हमारा अरेंज करते हैं। थैंक यू।